हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिखाने वाले हैं कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करना। कुर्ती को फैब्रिक के ऊपर रखकर कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसमें हम इंची टेप नहीं चलाएंगे, इंची टेप से मेजरमेंट नहीं लेंगे। जिनको इंची टेप से नाप लेना नहीं आता है, तो इस तरीके से कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करना सीखें बिल्कुल सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फैब्रिक है और ये फैब्रिक की चौड़ाई है और ये फैब्रिक की लंबाई है। तो लंबाई में हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कुछ इस तरीके से कर लेंगे। जो सीधा फैब्रिक है उसको हम अंदर की साइड रखेंगे और उल्टा फैब्रिक हम ऊपर की साइड डबल फोल्ड करेंगे। फिर से चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को हम बिल्कुल बराबर में फोल्ड कर लेंगे। ये बॉर्डर है, इसको हम बीचों बीच गले की साइड फ्रंट पल्ले में अटैच कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे फोर्थ लेयर में पार्ट्स हो गए हैं क्योंकि हम दोनों पल्ले की एक बार में कटिंग करेंगे। और ये हमारा कुर्ती है, तो कुर्ती को हमने बिल्कुल बीचों बीच से डबल फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से कुर्ती को जमा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती अच्छी होनी चाहिए, फिटिंग की होनी चाहिए, उसी को नाप के लिए लें। और अगर सिकुड़न वगैरह कुर्ती में हो तो प्रेस कर लें। सबसे पहले निशान हम शोल्डर से लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, शोल्डर की साइड नोटिस कर सकते हो, जो हमने कुर्ती को सेट किया हुआ है तो देख सकते हो फ्रेंड्स, शोल्डर की साइड हमने लगभग हाफ इंच छोड़कर कुर्ती को सेट किया है क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी लेना है। और एक निशान हम लगाएंगे जहाँ से हमारी बाजू की सिलाई है, जहाँ से हमारी बाजू अटैच है। और एक निशान और लगाना है हाफ इंच की दूरी पर, उस पर हम कटिंग करेंगे। और जहाँ से हमारी बाजू की सिलाई है, इस पर हम बाजू को अटैच करेंगे। अब हम आरमोल की साइड निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ से हमारी आरमोल की सिलाई है वहीं पर एक निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से। दूसरा निशान एक और लगाएंगे हाफ इंच की दूरी पर। इस निशान पर हम कटिंग करेंगे और इस नीचे वाले निशान पर हम सिलाई करेंगे। जिस तरह से हमारा कुर्ती है उस पर हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अगर कॉटन का कुर्ती हो तो इस तरह से दो पॉइंट बढ़ाकर ड्राफ्टिंग करेंगे। धुलने पर फैब्रिक ठस जाएगा और कुर्ती छोटी हो जाएगी। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। अगर लंबाई कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ लंबाई कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं लंबाई को, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा लंबाई को बढ़ाकर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम दो फिंगर रखेंगे और निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे। नीचे की साइड हम मार्जिन के लिए लेंगे दो फिंगर। अगर लंबाई को नहीं बढ़ाना है तो हम दो फिंगर सिर्फ निशान लगाकर उसी निशान पर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर निचाई भी बढ़ाई है और एक्स्ट्रा मार्जिन भी लिया है फोल्ड करने के लिए। साइड में लगभग दो इंच का मार्जिन लेकर हम पूरे कुर्ती में निशान लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि मार्जिन हमें लेना होता है। अगर कुर्ती टाइट या ढीली हो जाए तो उसको हम सही कर सकते हैं। अब हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। इस तरह से कुर्ती को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से आरमोल का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो निशान लगाए हुए हैं। बाहर वाले निशान पर हम गोलाई देंगे, उस पर हम कटिंग करेंगे। अंदर वाले निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने फाइनली निशान को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमारे निशान लगे हुए हैं उसी निशान पर कटिंग करेंगे, बाहर वाले निशान पर कटिंग करेंगे, क्योंकि जो अंदर वाला निशान लगा हुआ है वो हमारा फिटिंग का है। कट्स लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, शोल्डर की साइड हमारे दोनों पल्ली में जोड़ है, तो उसको इस तरह से हम कट करके अलग अलग दोनों पल्ले कर लेंगे। कुर्ती को हम फिर से सेट करेंगे क्योंकि अभी गले का निशान नहीं लगाया है। और यहाँ फ्रेंड्स, हमने चेक का भी अभी निशान नहीं लगाया है, तो इस तरह से हम चेक का निशान लगा लेंगे। जहाँ से हमारा कुर्ती में चेक खुला हुआ है वहीं पर निशान लगा लेंगे। कट्स लगा देंगे और इस तरह हम आगे वाले गले की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। आगे वाले गले का निशान हमने ले लिया है। इस तरह से हमारा शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच। और इस तरह से नीचे की साइड हम हाफ इंच गले को बढ़ा लेंगे। जितना हमारा शोल्डर की सिलाई में जाए उतना ही हम गले को नीचे की साइड बढ़ा लेंगे, नहीं तो हमारा गला छोटा हो जाएगा जब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे।
तो फाइनली हमारा आगे वाले गले की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से पल्ले को ओपन कर लेंगे और एक पल्ले को हटा देंगे। एक पल्ले को डबल फोल्ड करेंगे, उसमें हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। जो नाप वाला कुर्ती है उसको हम पलट कर फोल्ड कर लेंगे, जो पीछे वाला साइड है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। हाफ इंच शोल्डर की साइड छोड़कर गले को सेट कर लेंगे इस तरह से, और जो पीछे वाला गला है उस पर हम निशान लगा लेंगे। और इस तरह से हमने पीछे वाले गले में भी निशान लगा लिया है, इस तरह से गुलाई देंगे और इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बैक और फ्रंट दोनों गले को कट कर लिया है। अब हम साइड फिटिंग का निशान डार्क कर लेंगे, पल्ले को ओपन कर लेंगे और पलट कर फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम निशान को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से डार्क कर देंगे निशान को। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा दोनों साइड फिटिंग का निशान लग गया है। अब हम बाजू कट करेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। जो सीधा साइड है उसको हम अंदर रखेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों बाजू की एक बार में कटिंग करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा फैब्रिक में किनारी बना हुआ है। इसको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चुन्नट नहीं है, हमारा किनारी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसको हम किनारी सहित हम फोल्ड करेंगे और इस तरह कुर्ती में जो बाजू है उसको इस तरह से हम फैब्रिक पर सेट कर लेंगे। अगर तुरपाई करना हो बाजू में तो इस तरह से हम दो फिंगर का मेजर करके फैब्रिक को छोड़ देना है पलटने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम तुरपाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाफ इंच लेंगे आगे फोल्ड करने के लिए। जहाँ से हमारा बाजू अटैच है लेंथ का निशान लगा लेंगे, इस तरह से एक निशान हाफ इंच की दूरी पर लगाएंगे, क्योंकि हमें मार्जिन भी लेना है। नीचे की साइड बाजू की लंबाई का निशान लगा लेंगे इस तरह से, बॉटम का निशान लगा लेंगे इस तरह से, हम सीधा निशान लगा लेंगे, एक निशान और लगाएंगे मार्जिन के लिए हाफ इंच की दूरी पर, और इस तरह से नाप वाली जो कुर्ती है उसको हटा देंगे। जो हमने निशान लगाया हुआ है उसमें इस तरह से शेप देंगे और इस तरह से हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। ऊपर भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी फाइनली बाजू की कटिंग को हमने कर लिया है बड़े आसानी से। बीच में कट्स लगा देंगे, जहाँ से फिटिंग है वहाँ पर कट्स लगाएंगे। इस तरह से फाइनली हमने कुर्ती की कटिंग को कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम गले में पट्टी लगाएंगे, उसके लिए पट्टी को हम तिरछा कट करेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम पट्टी कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पट्टी की चौड़ाई लगभग 2 इंच रखेंगे। अब हम पट्टी में जोड़ लगा लेंगे इस तरह से, जो नोक निकला हो उसको कट करेंगे। एक पट्टी को सीधा रखेंगे और उसी के ऊपर दूसरी पट्टी को उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम चौक से निशान लगा लेंगे, तिरछे में सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इस तरह से हमने पट्टी में जोड़ लगा लिया है। अब हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सीधी साइड में पल्ले को बिछा लेंगे और इस तरह से पल्ले को डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम जो हमारा बॉर्डर है उसको हम लगाएंगे, निशान लगा लेंगे डबल फोल्ड करके, एक बीचों बीच में निशान लगा लेंगे। और यहाँ देख सकते हो जो हमारा बॉर्डर है उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हम लगभग बॉर्डर की लंबाई 10 इंच रखेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करेंगे। जो हमने बीच में सीध पर निशान लगाया हुआ है उसी के बीचों बीच इस तरह से पट्टी को रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। बॉर्डर पर सिलाई बिल्कुल हम किनारे लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा बॉर्डर निकला हो बाहर की साइड उसे फिनिशिंग के साथ कट करें। अब हम पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पल्ली को सीधी साइड में बिछा लिया है, उसी के ऊपर हमने पट्टी को उल्टी साइड में रख कर सिलाई को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो हम पट्टी में खिंचाव रख कर सिलाई लगाएंगे, गले में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं करेंगे, हमें सिर्फ पट्टी में खिंचाव करना है।
इस तरह से दो पॉइंट का सिर्फ मार्जिन छोड़ेंगे, दो पॉइंट मार्जिन छोड़कर सिलाई को लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे, जो दो पॉइंट का मार्जिन है उसमें कट्स लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स कट्स अच्छे से लगाना है, सिलाई ना कटे। अब हम पल्ली को सीधी साइड में, सॉरी फ्रेंड्स उल्टी साइड में पल्ली को बिछा लेंगे और पट्टी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हो हमने पट्टी को पूरा उल्टी साइड में टर्न कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जितनी पट्टी की चौड़ाई करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लगभग हाफ इंच पट्टी की चौड़ाई को रखा हुआ है। सिलाई को बड़ा कर लेना है क्योंकि इस पर हम तुरपाई करेंगे। अगर तुरपाई ना करें तो फ्रेंड्स सिलाई छोटी रखें और किनारे पर सिलाई को लगाएं, बिल्कुल बराबर में सिलाई को लगाएं। इसी तरह से हम दूसरे वाले पल्ले में पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरह से गले को हम सीधी साइड में बिछा लेंगे, उसी के ऊपर हम पट्टी को उल्टी साइड में रख लेंगे। पट्टी में खिंचाव करके पट्टी को गले में लगाना है। जो एक्स्ट्रा पट्टी निकली हो वार की साइड उसको कट करेंगे। जो सिलाई मार्जिन है उसमें हम कट्स लगा लेंगे, जिससे जब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे तो अच्छे से पट्टी टर्न हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें ऐंठ नहीं आएगा। इस तरह से पल्ले को उल्टी साइड में बिछाएंगे और जहाँ से हमने पट्टी को अटैच किया है तो पूरा हम पट्टी को उल्टी साइड में टर्न करेंगे, पलट देंगे। हाफ इंच पट्टी की चौड़ाई रखकर सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पल्ले में गले को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोनों पल्ले को इस तरह एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखकर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड शोल्डर की सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे जिससे हमारी सिलाई खुले नहीं। अब हम पल्ले को सीधी साइड में पलट लेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। जो पीछे साइड का मार्जिन है उसको हम पीछे वाले पल्ले की साइड करेंगे और उसी मार्जिन पर सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा पीछे साइड शोल्डर का मार्जिन है वो भी सेट हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने शोल्डर पर सिलाई को लगा लिया है। अब हम बाजू को लगाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीधी साइड में हमने पल्ले को बिछाया हुआ है और इसी तरह से हम बाजू को लेंगे और बाजू को भी हम सीधा साइड में बिछाएंगे और इस तरह से बाजू को हम पकड़कर पल्ले के ऊपर पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स हम सिलाई शोल्डर से लगाना शुरू करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई को लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे क्योंकि अभी हमने हाफ साइड में सिलाई को लगाया हुआ है। अब हम हाफ साइड दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पल्ले को पलटकर रख लेंगे और शोल्डर से ही सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम दूसरा बाजू को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने दोनों बाजू को लगा लिया है। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर तुरपाई करना चाहें तो यहाँ थोड़ा चौड़ाई में बॉटम को फोल्ड करें। तो यहाँ पर हम तुरपाई नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ हाफ इंच ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड बॉटम की सिलाई को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो नाप वाली कुर्ती है उससे हम बॉटम की चौड़ाई को मेजर कर लेंगे और इस तरह से साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा फिटिंग का निशान लगा हुआ है, इसी पर सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई को अच्छे से लॉक करके धागा कट करना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब हम चाक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई को लगा लेंगे। बिल्कुल बराबर में फैब्रिक को फोल्ड करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ से हमारा जो सिलाई लगी हुई है फिटिंग की, तो वहाँ पर हम आगे तक सिलाई, हाफ इंच आगे तक सिलाई को ले जाकर और इस तरह से बूट को घुमा लेंगे। इस साइड भी हम नीचे के लिए बूट को घुमा लेंगे और इस तरह से हम दूसरी साइड चाक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, सिलाई लगाते समय ध्यान रखें, सिलाई को बिल्कुल किनारे पर ही लगाएं, बिल्कुल इधर उधर सिलाई को ना करें, नहीं तो हमारा चेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड चेक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जाएगा और हमारी सारी वीडियो आप तुरंत ही देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दूसरी साइड का भी चेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे दामन की सिलाई लगाएंगे। जो नीचे की साइड एक्स्ट्रा अगर फैब्रिक हो तो कट कर दें, ना हो तो कोई बात नहीं। एक बार फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को हम बिल्कुल बराबर में ही फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि चेक हमारा दिखता है, चेक हमारा मैन होता है पूरी कुर्ती में। तो सिलाई अच्छे से लगाना है, तभी हमारी कुर्ती अच्छी लगेगी। और इसी तरह हम दूसरे पल्ले में दामन की सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से मेजर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम फोल्ड करके सिलाई को लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हम गले में तुरपाई करेंगे। इसके लिए हमने सुई में धागा को फंसा लिया है, नीचे नोट लगा लेंगे धागा में और गले में तुरपाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकती हो हम दोनों फैब्रिक में एक एक टाका लेंगे। एक टाका हम फैब्रिक में लेंगे और दूसरा टाका हम पट्टी में लेकर धागा को पूरा खींच देंगे बाहर की साइड इस तरीके से। और इसी तरह से हम पूरे गले में फाइनली तुरपाई को कम्प्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पूरा फाइनली तुरपाई को कर लिया है। अब जो हमारी सिलाई लगी हुई है, कच्चा सिलाई लगी हुई है, उसको हम हटा देंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारा पीछे साइड का जो साइड फिटिंग में मार्जिन है, उसमें इस तरह से हम लैरिया टाइप में कटिंग कर देंगे फैब्रिक को। और चेक की साइड हम अच्छे से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे फैब्रिक को। तो फ्रेंड्स, इससे क्या है, जब हम चेक को सीधा करेंगे तो हमारा चेक बिल्कुल फिनिशिंग से बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारा कुर्ती का फाइनली लुक। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल परी ब्यूटी पार्लर एंड सिलाई बुटीक चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।